भारत के राजनीतिक इतिहास की तरफ अगर आप ध्यान दें तो दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण नजर देखती हैं। पहली घटना 1975 को जब इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी की सरकार का आना, उसके बाद में 2014 ये दोनों जो चुनाव हुए, अगर आप इनको बारीकी से नजर डालें तो आपको लगेगा कि भारतीय राजनीति इतिहास में दोनों ने बहुत बड़ा योगदान किया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई थी इमरजेंसी के बाद में, जनता पार्टी ने सारी गठबंधन करके इंदिरा गांधी को हरा दिया था। हालांकि इसके बाद में जब दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सत्ता में आई थी। लेकिन 2014 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, 2014 का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसको आप कह लीजिए कि लोग कांग्रेस से के घोटालों से या आंदोलन से तंग आ चुके थे, लोग कांग्रेस से छुटकारा जाना चाहते थे, इसलिए भाजपा की तरफ मोटिवेट हुए, इसलिए भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी होगी कि उस दौरान के अगर आप सोचेंगे, यानी कि आज 2023 चल रहा है, 2013 के आखिरी महीनों के दौरान इस बात की घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जो तब गुजरात के सीएम होते थे उनके ही गाइडेंस नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके बाद बीजेपी ने इतने बड़े लेवल पे, एक लार्ज लेवल पे पूरा चुनाव ये लड़ा कि बच्चे बच्चे की जुबान पे 2014 के पहले नरेंद्र मोदी का नाम तय हो गया था, लगने का था, सुनाई देने लगा था। आप कहीं भी हो, चर्चा कहीं भी सुनते हो, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो समोसे की दुकान हो, चाय का नुक्कड़ हो, हर जगह चर्चा होती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसका असर ये हुआ कि जितने भी छोटे से लेके बड़े लेवल तक के चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से लड़े जाने लगे, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, यहाँ तक कि पार्षदी के और के भी जो चुनाव होते थे वो भी जो वोटर्स कहीं वोट मांगने जाते थे तो कहते थे जी हमको नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा, आप हमको अगर वोट देंगे तो वोट उनको मिलेगा। आपने पीएम मोदी को भी कई मर्तबा ऐसा कहते हुए सुना होगा कि आप जो है कमल का बटन दबाएंगे तो वोट जो है नरेंद्र मोदी को मिलेगा। लेकिन एक दिन पहले क्या हुआ, एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतों की मीटिंग कर रहे थे, दमन एंड दीव में ऑनलाइन मीटिंग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि आपको लोकल इश्यूज में ध्यान देना चाहिए। अब देखिए ये बड़ी बात उन्होंने बोली, क्यों बोली मैं आपको ये बताता हूं। दरअसल जब चुनाव क्षेत्र में विधायक हो या सांसद हो या कोई भी वो नुमाइंदा जो जनता का प्रतिनिधि है वो जाता था तो अक्सर जो है वोट वो मांगता था पीएम मोदी के नाम पर, लेकिन लोकल इशू कहीं ना कहीं खोते जा रहे थे। आप गांव घर में आप देखिए सड़कें नहीं हो, नालियों की सफाई ना हो रही हो, लेकिन उस दौरान उन सब जो मुद्दे थे वो दब जाते थे। और वोटिंग जब होती थी, जब कोई चुनाव आता था तो अक्सर जो है मतदाता आता था और उसके मुंह पे सिर्फ और सिर्फ एक नाम रहता था कि मोदी जी को वोट देना है। लोगों ने 2014 में, मैं आपको बात बताता हूं, कई ऐसे चेहरे जीते जिनको खुद भी यकीन नहीं था कि क्या वो कभी लोकसभा का चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन वो एक बयार थी 2014 की और उस बयार में ऐसे लोग जीते थे चुनाव जिनको खुद पर यकीन नहीं था, उनको खुद पर यकीन नहीं था होगा कि शायद मैं लोकसभा चुनाव जीत भी जाऊंगा। लेकिन लोगों ने ना तो पार्टी देखी थी ना तो कैंडिडेट देखा था, सिर्फ और सिर्फ बटन दबाया था तो पीएम मोदी के नाम पर, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी। लेकिन अब बीजेपी को ये कह लें कि नरेंद्र मोदी जी को इस बात का डर सताने लगा है कि कब तक आखिरकार उन्हीं के नाम से वोट लेते रहेंगे ये, क्योंकि आप देखिए हिमाचल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी हारी और इसके बाद में बीजेपी जो है कर्नाटक में भी चुनाव हारी। कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद में ये एहसास जरूर हुआ होगा पार्टी को कि कहीं ना कहीं कमी रह रही है और वोटर्स के दिल अब वो नहीं जीत पा रहे हैं। कांग्रेस वहां पर कर्नाटक और हिमाचल दोनों जगह सरकार बनाने में कामयाब रही। तो ये जो पीएम मोदी ने एक दिन पहले पंचायत में जाकर कई सारे गुरु मंत्र भी दिए, उन्होंने कहा कि आप जो है एक टोली बनाइए क्योंकि समूह में काम होता है, समूह में काम दिखता है, और ऐसा काम करिए कि जो तीन चार कोई बड़े मुद्दे लीजिए, सामाजिक मुद्दे उठाइए, चार महीने का वक्त लीजिए,
चार महीने में उस मुद्दे को समाधान कीजिए, उस पर मिलजुल कर उस पर काम कीजिए। इस तरह करने से आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट में आएंगे और ऐसा करने से वो जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। उन्होंने कहा कि लोकल स्तर पर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि भाई हमारे नाम से लेकर कब तक वोट जीतते रहोगे, कब तक चुनाव जीतते रहोगे, लेकिन उन्होंने इतना तो जरूर बता दिया कि अगर आपने लोकल स्तर पर काम नहीं करोगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। 2024 का चुनाव सर पर है, अगले साल होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही अभी तक जो लग रहा है कि ये चुनाव बीजेपी लड़ेगी। उसकी दूसरी तरफ इस बार अगर इंडिया का गठबंधन जो बना है विपक्षी पार्टियों का, वो अगर हूबहू ऐसे ही रहा जिस तरह अभी चल रहा है, अभी सबको बताया जा रहा है कि अंदर खाने में सीटों के बंटवारे पर बात हो रही है यूपी में या अन्य जगह जो क्षेत्रीय पार्टियां उनसे बात हो रही है कि लगातार कौन कितनी पार्टी कहां पे मजबूत है, कहां पे वो कमजोर है, इन सब बात अगर ये सब इनका विपक्षी गठबंधन रहा तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए, भले ही ये कहते रहे कि भीड़ से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मसला ये है कि अगर स्टेटों में, प्रदेशों में अगर इस तरह के गठबंधन होंगे तो बीजेपी को इम्पैक्ट पड़ेगा और उसी इम्पैक्ट का नतीजा है कि बीजेपी जो है साउथ में, खासकर तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र हो, इस जगह पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इन जगहों से अगर जो सीटें बीजेपी जीतेगी तो भले ही हिंदी पट्टी में अगर उसके वोट गठबंधन के कारण कुछ नुकसान होता है तो बीजेपी वहाँ से अपना वो उस नुकसान की भरपाई कर सकती है। लेकिन ये जो पीएम मोदी की टिप्पणी थी ये कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि आपने भी देखा होगा और आप अब देख भी रहे होंगे लगातार कि जिस तरह से सांसद हो, विधायक हो, अपने काम से जी चुराते हैं, वो क्षेत्र का विकास करने से पीछे हटते हैं, लेकिन जिस समय वोट की डालने की नौबत आती है तो मतदाता के सामने सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा रख दिया जाता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आखिरकार उसी चेहरे से कब तक आप चुनाव जीतते रहेंगे, लेकिन आपको विकास कार्य करने होंगे, लोगों की सुननी होगी, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए और वही एहसास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के जरिए बता दिया और जता दिया कि देखिए हमारे दम पर चुनाव अब नहीं हो सकते, चुनाव लड़ना है तो आपको लोकल स्तर तक काम करना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी और उसके बाद जब आप जनता के सामने हाथ फैलाएंगे और वोट मांगेंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको जिताएगी।